हेलो दोस्तों, शरी मूड में आपका स्वागत है। ये रीजनिंग का भाग टू होगा जो कि आपके सिलेबस में है, वन रक्षक कॉन्स्टेबल दोनों के सिलेबस में है। और हम लोग रीजनिंग मैथ दोनों है, दोनों स्टार्ट करेंगे। ये रीजनिंग का भाग टू होगा और इसके बाद मैं मैथ वाला भाग वन लाऊंगा, फिर भाग टू लाऊंगा और फिर साथ में सब चलेगा। साइंस का दो भाग हो चुका है, जनरल जो भी नॉलेज का 30 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर मिलाकर वो भी दो भाग हो चुका है। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ऐसे कर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और 1 से 2 महीने में पूरे सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ये जो है हम लोग देखे थे भाग वन में वर्गीकरण, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स कि उसमें से 4 दिया था ऑप्शन, उसमें से एक चुनना था। ये आप लोगों ने ये तो बनाया ही होगा आई थिंक। तो अगला जो चैप्टर ये आपका ये है एनोलॉजी से, मतलब कि सदृश्यता परीक्षण जिसका नाम होता है। इसमें क्या होता है कि आपको दिया रहता है और रिलेशन, जैसे कि ये बिंदु जो देकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन किससे है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो इसका नाम क्या है, सदृश्यता परीक्षण। मीन्स की समानता कैसे समान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहले एग्जांपल से देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे कि भोपाल है, भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है, वैसे भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की राजधानी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्सप्लेन भी नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि 6-13 दिया हुआ है, 6-13 जिस प्रकार से संबंध है, 11 किस प्रकार संख्या से संबंध है। तो 6 × 12 और 1 जोड़ दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 6 × 12 और 1 जोड़ दिया गया है तो 13 आ गया है। उसी तरह 11 × 22 और 1 जोड़ देने पर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन तीसरा है कि RAGS, फिर आपको उसको रिलेशन दिया है किससे, QYDO से। तो DREG का रिलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये दिया हुआ है कि जैसे RAGS का रिलेशन किससे है, तो QYDO। मीन्स कि R जो है एक कम कर कर लिख दिया गया है, ठीक, क्यू के बाद आर आता है। मीन्स कि ये जो क्यू है, अगला जो वर्ड लिखा गया है उसमें आर में, आर का जो होता है 18 होता है, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। तो -1 कर कर लिखा गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कर लीजिएगा तो ऐसे रीजनिंग बहुत आसान से बन जाएगा। फिर ए को भी वैसे ही 2 कर कर कम लिखा गया है, जी को 3 कर कर कम लिखा गया है और एस को 4 कर कर कम लिखा गया है। मीन्स कि फिर ऐसे ही हम लोग इसमें आपको रैंकिंग बैठा देंगे कि डी जो है उसमें 1 कम कीजिएगा तो सी आएगा, आर में 2 कम कीजिएगा तो पी आएगा, ई में 3 कम कीजिएगा तो क्या आएगा, बी आएगा, और जी में अगर 4 कम करते हैं तो सी आता है। ठीक, तो ऐसे करके सी डी बी सी ये क्या हो जाएगा, ये CPBC जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका, CPBC। ठीक, अब आइए क्वेश्चन आप लगाइए। क्वेश्चन है ठीक 1 से 3 तक दिए गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन है और उसी को सही करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रूस और मास्को, जैसे रूस का संबंध मास्को से है वैसे ही जर्मनी का संबंध किससे है। तो इसमें पूरा पूरा आपका जो भी है ना रीजनिंग में, वो पूरा आपके नॉलेज आता है। रीजनिंग मीन्स कि पूरा नॉलेज का निचोड़ अगर आता है तो किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लगा लीजिएगा। तो रूस, जैसे रूस की राजधानी कहाँ होता है, मास्को, इसी जर्मनी की राजधानी कहाँ होता है, तो बर्लिन होता है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाइबिल जो है, बाइबिल किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो ईसाई का धार्मिक ग्रंथ है। वैसे ही कुरान जो है वो किसका है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर किसका है, इस्लाम का है। ठीक, कुरान किसका है, इस्लाम का है। और यहीं पर अगर भागवत गीता देता तो क्या हो जाता, हिंदू का हो जाता। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ से भी देते हैं। जैसे बिल्ली क्या बोलती है, मियाऊ बोलती है, वो घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। जैसे बिल्ली मियाऊ बोलती है, वैसे ही घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। तो इसका हो जाएगा बी। और अब 4 से लेकर 6 तक देखिए, यहाँ पर जो इस ये क्वेश्चन का प्रकार इसी में आएगा, ये भी प्रकार। जैसे न्यायालय कहाँ मिलता है, न्याय, ठीक, तो न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। वैसे ही क्या मिलता है कहाँ पर, तो महाविद्यालय में पढ़ाई दिया, अस्पताल में उपचार दिया है, संकेत देता है। तो अस्पताल में क्या मिलता है, ठीक, तो अस्पताल में मिलता है उपचार। और अब बोलेंगे कि महाविद्यालय में क्या मिलता है, तो महाविद्यालय में पढ़ाई मिलता नहीं, अब किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके इसका आंसर क्या होगा, न्यायालय में जैसे न्याय मिलता है, अस्पताल में वैसे ही क्या होता है, उपचार होता है। ठीक, फूल और माला, जैसे फूल मिल मिलकर माला बनता है, वैसे ईट मिल मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। तो फूल जैसे माला, फूल मिला मिलाकर माला बनता है, वैसे ईंट जोड़कर क्या बनता है, घर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 का। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गैराज, जैसे गैराज मोटर कार, गैराज में क्या रखा जाता है, मोटर कार रखा जाता है, वैसे अस्तबल में क्या रखा जाता है। तो अस्तबल में जो रखा जाता है उसे घोड़ा को रखा जाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 7 से 10 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही संबंध बस है, जैसे कि राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े के किससे है, तो राजा का रानी से है, तो घोड़ा को घोड़ी से होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। उसी घोड़ा का संबंध किससे है, यहाँ पर देख लीजिए, तो जैसे घोड़े का संबंध किससे है, तो घोड़ी से है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से ही विचार निकलता है, बादल का वही संबंध किससे है? तो बादल का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो बादल कहाँ आते हैं, तो कहाँ से आता है? तो आसमान। क्या हो जाता है इसमें? तो बादल का संबंध किससे है? तो आसमान से है। जैसे कि विचार जो आते हैं मस्तिष्क से आते हैं, दिमाग से आते हैं। देश को जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है? तो देश में जो होता है प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं राज्यपाल को, राज्य का प्रमुख बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, माफ कीजिएगा, राज्यपाल हो जाएगा। और यहीं पर अगर केंद्र शासित राज्य दे देता, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, अदर और भी दे देता, तो वहाँ पर उपराज्यपाल भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं। तो ऐसे भी रीजनिंग आ चुका है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति है वो देश से संबंधित है, राज्य का संबंध किससे है? तो राज्यपाल से है। अब कहिएगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजी ही क्वेश्चन आता है, आपका जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और जब हम लोग शेट करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा भाग एकदम अकॉर्डिंग टू आपको सिलेबस, तो वहाँ पर आप देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का वही संबंध किससे है? तो कुल्हाड़ी का क्या काम होता है? काटना। तो गोंद का क्या काम होता है? चपकाना। ठीक, तो गोंद का क्या हो जाएगा? चपकाना हो जाएगा। तो मीन्स की 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब लास्ट आप देख लीजिए, तीन क्वेश्चन और होगा, तीन क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका दिमाग लगना चाहिए। ठीक, जैसे कि ये आपको अल्फाबेटिकल के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग सजाना है। ठीक, तो देखिए एम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। तो एम और पी के बीच कितना प्लस कर दिया है? तो 3 प्लस कर दिया है। ठीक, कितना प्लस कर दिया है? एम एन ओ आ पी आता है। ठीक है, फिर एन दिया है और फिर क्यू दिया है, पहले का दूसरा से मिलाइए, तीसरा से नहीं। यहाँ पर देखिए, जैसे एम का 3 बढ़ाकर कर दिया है पी, वैसे ही एन का 3 बढ़ाकर कर दिया है क्यू, ओ का 3 बढ़ाकर कर दिया है आर, पी का 3 बढ़ाकर कर दिया है एस। ऐसे ऐसे कर कर ये 3-3 बढ़ाया है। तो वैसे ही ई का अगर 3 बढ़ाते हैं आप तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यू का अगर हम 3 बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए ई का 3 बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा? एफ जी एच आ जाएगा। ठीक, और फिर एफ का अगर 3 बढ़ाते हैं तो क्या आता है? तो एफ का बताइए, एफ जी एच आई, एफ बढ़ाते तो जी एच आई, तो एच आई, एच आई कहाँ है? तो पहले में देखिए, पहले में ही साफ साफ दिखाई दे रहा है एच और आई। तो पहले आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, या भी कर सकते हैं कि फिर इसमें भी दे सकते हैं कि जी के बाद तीसरा 3 को अगर गैप कर हम लगते हैं तो जी के बाद 3 गैप कर पर जे आता है, और एच जो होता है 8 पर होता है, अगर 3 गैप करते हैं तो 11 आता है, तो किस पर आ जाता है? के आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैसे 7 का संबंध 50 से है, वैसे 11 का संबंध किससे है? तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर आपको 49 होता है, और 49 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये 50 हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने ही संख्या से गुणा हुआ है, ये क्या हुआ है? अपने ही संख्या से गुणा हुआ है, और अपने ही संख्या से गुणा होकर और प्लस 1 हो गया, ये दोनों आपका हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। फिर 11 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है? 121 आता है। 11 का आप स्क्वायर करते हैं, या 11 × 11 भी करते हैं तो कितना आता है? 21 आता है, 121। प्लस 1 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 122 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 12 का संबंध जिसे 36 है, तो 12 × 36 मीन्स कि 12 में 3 में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। 12 में 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 36 आ जा रहा है। वैसे 1/3 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। अब कहिए करके, सर बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हैं, 13 ही क्वेश्चन क्यों कराए हैं? क्योंकि पूरे 1 घंटा का क्लास, आधा घंटा क्लास पहले मैं ले चुका हूँ इसका, रीजनिंग का, एनोलॉजी का, और है, आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में, या आप जाइए देख लीजिए, एनोलॉजी का पूरा पूरा क्लास, उसमें थ्योरी अकॉर्डिंग ले चुका हूँ। तो बस जो जो मैं ले चुका हूँ उसका बस आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, और बाकी अब जो आएगा उसको पूरा थ्योरी के साथ आपको आएगा, पूरा निचोड़ कर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। इसमें क्या करना है कि राजधानी याद करने रहना है आपको, अल्फाबेट का ऑर्डर याद करने रहना है आपको, 20 तक हो सके तो संख्या का स्क्वायर याद कर लीजिए, और आपको हो सके 10 तक क्यूब याद कर लीजिए। ठीक, पहाड़ा तो सबको याद ही होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा तो रीजनिंग बस बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा, कमेंट करने पर आपको एनर्जी मिलता है तो जल्दी जल्दी वीडियो आता है। ठीक, तो अब अगला जो वीडियो आएगा वो फिर से वही हो जाएगा जैसे कि मैथ का वीडियो आएगा, मैथ का पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, और फिर जब हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 सब सब्जेक्ट का देख लेंगे तो आपको फिर से वही सर्कल वाइज जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चलते रहेंगे। ठीक, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।